आदिवासी भारत का वो समुदाय जो जिसकी अपनी समृद्ध परंपरा है, संस्कृति है, और ये आज़ादी के अमृत काल तक भी अपनी संस्कृति को उसी शिद्दत के साथ निभाते हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ झाबुआ जिले के झायड़ा गांव में, और यहाँ से आपको एक रिपोर्ट बताऊंगा जिसको देखकर आपको लगेगा कि झाबुआ के वसुनिया आदिवासी समुदाय के लोग किस तरीके से अपने पुरखों का स्मरण करते हैं, उनकी मुक्ति के लिए जतन करते हैं। करीब 33 साल बाद सामूहिक नुक्ता कार्यक्रम यहाँ झायड़ा में आयोजित हुआ, जिसमें आसपास के दर्जनों गांव के वसुनिया लोग शामिल हुए, अपने पितरों का तर्पण किया, उनकी मुक्ति के लिए अनुष्ठान किया और यहाँ आकर अपनी समृद्ध परंपरा को निभाया। देखिए रिपोर्ट। ड्रोन कैमरे से इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों में आपको हजारों लोग जुटे हुए दिखाई देंगे। कुछ लोग उल्लास के साथ नाच रहे हैं, कुछ लोग अपनी समृद्ध परंपरा को निभा रहे हैं, कुछ अपने पुरखों को नमन कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको बारी बारी दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं कि देखिए आप किस तरीके से जो इनके पुरखे हैं, जो अब दिवंगत हो चुके हैं, उनकी मुक्ति के लिए ये बाकायदा विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं। ये वही तस्वीर है। ये 33 साल बाद झायड़ा में आयोजन हुआ है वसुनिया आदिवासी समुदाय का, और इसमें बढ़ चढ़ कर उत्साह के साथ समुदाय के लोग हिस्सा ले रहे हैं, और उत्साह की ये तस्वीरें हैं। नाच गाने की तस्वीरें आपको हैरान कर सकती है, आपके मन में सवाल पैदा कर सकती हैं कि आखिर सामूहिक नुक्ते के कार्यक्रम में नाच क्यों हो रहा है। तो दरअसल इस समुदाय के लोगों को ये लगता है कि इस नुक्ता कार्यक्रम के बाद जो उनके पुरखे हैं, जो दिवंगत हो चुके हैं, उनको मुक्ति मिलेगी, नया जीवन मिलेगा, उनकी आत्मा एक नए शरीर में प्रवेश लेगी, और ये उनके लिए एक खुशी का अवसर है कि उनकी पुरखों को मुक्ति मिल रही है। और इसी उत्साह के साथ, इसी सोच और इसी भावना के साथ वो यहाँ पर नृत्य भी करते हैं। ये उसी समय की तस्वीरें हैं। ड्रोन की तमाम तस्वीरें हम आपको इसीलिए बता रहे हैं कि इस पूरे प्रोमाइसिस को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर तमाम वसुनिया लोग झाबुआ जिले के जुटे थे। अब आपको बताते हैं कि झायड़ा में आखिर क्यों वसुनिया परिवार, वसुनिया तमाम जुट के ये यहाँ पर आयोजन करते हैं, क्योंकि जो झायड़ा गांव है यहीं से वसुनिया आदिवासी कुल की उत्पत्ति मानी जाती है, और इसीलिए आसपास के तमाम दर्जनों गांव के आए वसुनिया यहाँ आकर अपने जो पुरखे हैं उनकी मुक्ति के लिए ये नुक्ता कार्यक्रम करते हैं। ये हमारा जो बड़ा नुक्ता घाटा होता है वो जैसे हो जाना चाहिए 10 साल बाद में, पर इस बार बहुत लंबा चला गया। बता था मेरे पिताजी कि एक बार पहले हुआ था, मैं करीब 3 साल का हुआ था तो हुआ था, फिर मैं 11 साल का हुआ 1990 में तब फिर हुआ था, तब से लगाकर देखा नहीं था हमने, मतलब समझदार भी इतने नहीं थे, देखा था उस समय पर समझते नहीं थे क्या होता क्या नहीं, कोई बात हमको समझ में नहीं आती थी। इसमें जो हुआ वो रीति रिवाज के हिसाब से जो हमारे जो जिनकी डेड हो गई है उनका जो 12-13वीं करते हैं, जो 13वीं तो हमने करी दी थी, सारे कार्यक्रम उनके निपटा दिए, लेकिन जैसे बताते हैं कि जो चले जाते हैं उनकी आत्मा मतलब यानी कि जन्म नहीं ले पाती है, रुक जाती है, तो वो कार्यक्रम नहीं हुआ। तो हम जितना वसुने परिवार जितने गांव के हैं लोग, हमारी बहन बेटी जितने भी सब लोग समधी सब वगैरह आके मतलब यानी कि सब मतलब आके वही बोलते हैं कि उनका जो पानी देना करते हैं, पूजा करते हैं, इसका जो धर्म कहीं भी हो तो उसको भगवान क्षमा करना कि हमारे पूर्वजों को उनका उनका मतलब वो मिले लाभ। भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हमने अच्छा काम किया हो तो उसका मतलब हमारे पूर्वजों को जितने हमारे जो मर कर गए हैं यानी वो कोई भी कर्म किया है उनको माफ़ करे और उनकी आत्मा को शांति दे और उनकी आत्मा दूसरी जगह मतलब भगवान उनको शरीर प्रदान करे। हमारे जो परिवार के लोग चले गए हैं तो आज मतलब यानी कि उनकी मतलब फिर से दूसरा जन्म हो रहा है, हो जाएगा, मुक्ति मिल गई, उनकी आत्मा का कल्याण हो गया, उनको जन्म दूसरा मिल जाएगा, इसलिए हम खुशी मनाते हैं कि नाचो कूदो और खिलाओ और मतलब दान करो, दान भी करते हैं और मतलब जैसे भंडारा भी देते हैं तो उसमें खाते जो मतलब उनके आत्मा खुश रहे इसलिए हम खिलाते हैं और वो पूजा करते हैं। तो इस बार झायड़ा गांव में करीब 33 साल के बाद ये आयोजन हुआ,
अब आपको बताते हैं कि ये आयोजन अब होगा, किस तिथि से होगा। ये 4 दिन का कार्यक्रम था और इसके लिए बाकायदा तड़वी पटेल बैठते हैं, चर्चाएं होती हैं, मीटिंग होती है और उसके बाद इलाके के हर वसुनिया परिवार में इसकी खबर भेजी जाती है कि इस तारीख से इस तारीख तक ये आयोजन होंगे और सभी को अपने पुरखों के मुक्ति के लिए होने वाले इस आयोजन में शामिल होना है। इनको सर हम सूचना, जैसे हमारे गांव के तड़वी पटेल एक बार नुक्ता को तैयारी करते हैं, नकी करते हैं कि किस दिन रखना है, मीटिंग करते हैं, उसके बाद हम एक तारीख फिक्स करते हैं, उसके बाद हम अपने अपने परिवार में गांव में बताते हैं, फोन से बताते हैं, अपने मोटरसाइकिल वगैरह लेकर भी गांव में चर्चा करते हैं, उनको बोल देते हैं उस दिन। उसके बाद हमारा नुक्ता होता है तो पानी देना जो रहता है उसी दिन पानी देना भी रहता, भोजन प्रसाद भी खिलाते हैं। भोजन इतना सब लोगों का बनता है तो सब उसमें क्या सहयोग करते हैं? हाँ जी सर, सब सहयोग करते हैं। क्या बनता है खाने में, क्या खिलाते सर? खाने में ये लुबदी जैसे बोलते हैं हमारे में, लुबदी है, चावल है, दाल है, ये सब बनाते सर। तो आखिर ये सामूहिक नुक्ता कार्यक्रम 33 साल बाद क्यों हुआ और क्यों सामूहिक रूप से तमाम वसुनिया लोग जो झाबुआ जिले के हैं, झरडा के आसपास के, वो क्यों इकट्ठा होके करते हैं, ये आखिर परंपरा क्या है सामूहिक नुक्ते की, वो भी सुनिए। यहाँ नुक्ता हुआ था, मतलब 35 साल बाद ये नुक्ता हुआ। हमारे वसुनिया जाति समाज के अनुसार हमारे जो हम इकट्ठे रहते हैं सब, सर गाँव गाँव अलग अलग जुड़े हुए हैं सब इनका, और जैसे पूरे पूर्वज बता गए कि मतलब हमें एवं मतलब के हम डोकरा आता के तिना अनुसार मतलब सब समाज में रह जाते, समाज में वो खीरे नहीं आजता। ये 35 साल हो गए बता रहे थे, 35 साल हो गए, और 35 साल बाद ही पहली बार ही हमने, हम तो छोटे छोटे थे पर बाबा दादा ने बताया कि मतलब पहले जाहिड़ा, तो जाहिड़ा में नुकता हमारे इसलिए करते कि यहाँ कोई झाला या मतलब राव जी का कोई मतलब बड़ा व्यक्ति था और उसकी संत उससे मतलब 12 लोग थे, जैसे फुलड़ी है, अब फुलड़ी में फूला पटेल उसको वो दे दिया। वसुनिया का गढ़ है, यहाँ ये गढ़ है मतलब, और इनके विषय को आजू बाजू बिखरे हुए हैं मतलब। वसुनिया लोगों की ये समृद्ध परंपरा जिसमें वो अपने पुरखों का स्मरण करते हैं, उनकी मुक्ति के जतन करते हैं, उसको कई लोग ऐसे हैं समाज के जो पहली बार देख रहे हैं क्योंकि 33 साल बाद ये आयोजन हुआ है। ऐसे एक युवा राकेश से हमने बातचीत की, सुनिए। ये कहते हैं कि 35 साल हो गए, उसके पहले हुआ था तब मैं पैदा नहीं हुआ था सर, उसके बाद ही। क्या समझा आपने, क्या परंपरा है सर? परंपरा जैसे हमारे उदाहरण के लिए बताए तो जैसे हमारी प्रथा रहती है आदिवासियों की सर, उनमें क्या रहता है हमारी जितने भी जैसे लोग शांत हो जाते हैं तो परंपरा क्या रहती है सर हमारे, या जैसे कहते हैं कि हमारा यह कुल पैदाइश यहाँ की है, यहाँ से लोग जितने गाँव गए कि नहीं वो गए, वहाँ जाने के बाद उनको क्या रहता है कुल में वापस यहाँ आना पड़ता है अपनी परंपराओं को, अपने जो पूर्वजों की शांति के लिए कहते कि नुक्ता ये करते हैं, मतलब इनकी बात ज़्यादा नॉलेज मुझे भी नहीं है सर। तो झरडा के इस वसुनिया कुटुंब की इस सामूहिक नुक्ता परंपरा को हमने झरडा गांव के ग्राउंड जीरो पर आकर ही आपको बताया, समाज के प्रमुख लोगों की का पूरा पक्ष सुनाया, पर प्रथा परंपरा के बारे में बताया। आपको ये कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें और आदिवासी संस्कृति के बारे में जानने के लिए जुड़िए सीबी लाइव के साथ।